नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफ्टिन पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। सीएम योगी का गाजीपुर और जौनपुर दौरा, गाजीपुर को सीएम सौंपेंगे कई सौगात, जौनपुर में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है, कांग्रेस ने दलितों का वोट लेने के लिए कुछ महीनों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए मायावती ने कहा है कि इसी तरह बीजेपी में ओबीसी समाज के लिए प्रेम उभरा है, अगर बीजेपी ओबीसी के लिए कुछ करना चाहती है तो जातिवार जनगणना क्यों नहीं करवाती। बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि दिन दहाड़े एक बेटे ने अपने ही पिता को चाकू से कूट कर मौत के घाट उतार दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि बेटा अपने पिता से अपने बच्चे की दवाई लाने के लिए कुछ पैसे मांग रहा था। बुलंदशहर में तालाब में मासूम का शव तैरता देखा गया। कुछ दिनों पहले परिजनों ने बच्चे को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वहीं परिजन बच्चे की हत्या की आशंका जता रहे हैं। लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने राजभवन आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान सैकड़ों फरियादी अपने परेशानियां सुनाने पहुंचे। शहर के सोनवा थाना क्षेत्र के गिलोली बड़ी बगिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 वर्षीय मासूम की बांस की झाड़ियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। नोएडा में दिनदहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के ऊपर 12 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज, मौके का फायदा उठाकर बदमाश का साथी फरार, सेक्टर 33 स्थित आरटीओ के पास हुई मुठभेड़। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लगातार बढ़ रही महंगाई पर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेल सब्जी महंगा दिखाई दे रहा है, कभी शराब मीट की दुकान पर पूछा इतना महंगा क्यों हो गया। पेट्रोल, रिफाइंड तेल, सरसों तेल जैसी चीजों के दाम बढ़ने को लेकर कहा कि लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। साक्षी महाराज ने कहा कि लोगों के पैसों से जीएसटी से ही देश ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, इसीलिए हम सबका पूरा योगदान होना चाहिए। सुल्तानपुर के खुर्शीद क्लब में आयोजित जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में नौजवानों के सामने निराशा, किसानों के सामने अंधेरा है। नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक गरीबी दूर नहीं होगी, और यदि गरीबी दूर नहीं हुई तो इस वजह से आए दिन हिंसाएं होती रहेंगी। शामली में वन अधिकारी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई पुलिसकर्मी और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक होती दिख रही है। भले में पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त का बयान, कहा बीजेपी का टिकट चाहते थे, राकेश के टिकट लेने के लिए कई बार मुझसे मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड। सीएम योगी ने कहा कि नौकरियों में पूरी तरह पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई है। साढ़े चार साल का कार्यकर्ता पूरा होने पर गिनाई कार्यकाल पूरा होने पर गिनाई योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियां। सीएम योगी ने 2022 में 350 सीटें जीतने का किया दावा। सीएम ने कहा कि 4.5 सालों का यह कार्यकाल सुरक्षा और सुशासन का रहा है। सीएम योगी ने कहा कि इन 4.5 साल में एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, जबकि पिछली सरकार में हर तीसरे और चौथे दिन एक दंगा होता था। आज माफियों से कब्जे वाली जमीन छुड़वाई जा रही, अपराधी सलाखों के पीछे है। सीएम योगी ने कहा कि सर्वांगीण विकास आज नए देश के, नए उत्तर प्रदेश की पहचान, प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ाया गया।
सीएमयू ने कहा कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार है। 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ। पिछले 4.5 साल में कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन नहीं हुआ। आज नेक नियत और ईमानदार नेतृत्व का नतीजा है कि प्रदेश देश की बड़ी योजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। जन आरोग्य योजना के तहत 6.90 करोड़ के अधिक व्यक्तियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर किया जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजना को सिर्फ बुंदेलखंड के अंदर पूरा किया गया। 2007 से 2017 तक मात्र 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। हमारी 4.5 साल की सरकार में 1.44 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किसानों को किया गया। सीएम ने कहा कि 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद सीधे किसानों से हमारी सरकार ने की है। पिछली सरकार में मात्र 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। सीएम आदित्यनाथ ने कहा है कि 1.41 करोड़ घरों को प्रदेश के अंदर निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए। 1.67 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। सीएम ने कहा अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो या बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन हो, हमारी सरकार ने अपनी परंपरा से देश और दुनिया को परिचित कराया। हमारी सरकार में दशकों से लंबित आस्था के केंद्रों का सम्मान दिया जा रहा है। मुरादाबाद में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बच्चों के विवाद में जमकर हुई मारपीट। वहीं इस मारपीट में कई लोग घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी में लगातार बढ़ रही डेंगू की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 219 नए केस। लखनऊ में 1 की मौत। देश में बीते एक दिन में 8,481 एक्टिव केस कम हुए। 30,773 नए मरीज। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,773 नए मामले आए सामने। तो वहीं इस दौरान 309 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई के 87 लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाए गए हैं। 85% पुरुष और 88% महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के 2 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14। पुडुचेरी में कोरोना संक्रमण के 79 नए मामले। 78 मरीज ठीक होकर लौटे घर। अब तक 17.37 लाख सैंपल की कोरोना जांच की जा चुकी है। आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया। पुराने बिजली बिल माफ करेगी और किसानों को मुफ्त बिजली देगी। केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा है कि किसान उत्तराखंड की दुर्दशा की किसान बिजली के बिल से परेशान है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर हैं। केजरीवाल की मौजूदगी में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। आयकर विभाग ने सोनू सूद पर आय छुपाने और चोरी का आरोप लगाया। विभाग के मुताबिक सोनू सूद में अपनी आय छुपाने के लिए फर्जी कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन लिया। आयकर विभाग ने सोनू सूद पर लगाया 20 करोड़ की आयकर चोरी का आरोप। उनकी चैरिटी ट्रस्ट पर भी लगा विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट के नियमों का उल्लंघन का आरोप। दिव्या अग्रवाल ने जीता बिग बॉस ओटीटी का खिताब। साथ ही दिव्या को 25 लाख रुपए की इनाम राशि भी मिली। दिव्या के साथ बिग बॉस ओटीटी के पहले रनर अप निशांत भट्ट रहे और शिल्पा शेट्टी की बहन टी दूसरी रनर अप बनी। टेलीविजन का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस का 15वां सीजन अगले महीने से हो रहा है शुरू। इस बारे में बिग बॉस ओटीटी के होस्ट करण जौहर ने फिनाले एपिसोड के दौरान जानकारी दी। बता दें कि इस शो को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान करेंगे होस्ट। सलमान खान को नया सीजन होस्ट करने के लिए 350 करोड़ रुपए एक्टर ने फीस में 15% बढ़ोतरी की थी मांग की।
भारतीय डायरेक्टर पायल कपाड़िया के डेब्यू फीचर प्रोजेक्ट अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हासिल किया अवार्ड। पायल कपाड़िया की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन तीन फिल्मों में शामिल है जिसे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में एम्पलीफाई बॉयज पुरस्कार मिला है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने की अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म तलाइवी की तारीफ। कंगना रनौत को लेटर भेजकर एक्टिंग की जिस ऊंचाई पर तुमने उड़ान भरी उसे देखकर आया आनंद और हिमाचल की अपनी बेटी पर हुआ कर। ट्वीट शीट में खुलासा हुआ, कुंद्रा ने बनाई थी एक्ट्रेस पॉर्न फिल्म में 4 करोड़ रुपए से बेचने का था पूरा प्लान। ऐप पर पाबंदी के बाद बनाया नया दूसरा ऐप कुंद्रा ने बनाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला। राघव चड्ढा के नवजोत सिंह सिद्धू वाले तन से राखी काफी नाराज है, उन्होंने केजरीवाल से राघव को पार्टी से निकालने की मांग की। धुरंधर कीवी ऑलराउंडर क्रिस केयर्न्स ने फिर दिखाया जुझारू अंदाज, गंभीर बीमारी को मात देते हुए मौत से जंग जीत ली है। आईपीएल 2021